कथाक्रम में श्री ऋषभदेव जी का पावन चरित्र गाया है। आहा हा, ऋषभदेव जी जैसे महात्मा क्या कहना। ये वही ऋषभदेव जी हैं जिनसे जैन धर्म का प्रादुर्भाव भया। ऋषभदेव जी महाराज से जैन धर्म हुआ। श्री ऋषभदेव जी महाराज परमहंस की गति पर पहुंच गए। अपने बड़े पुत्र भरत को राजपाट दिया। ये वही भरत जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इन्हीं भरत में इतनी ताकत के बचपन में खेल खेल में ही ये सिंहों के दांत गिन लेते थे। ऋषभदेव जी महात्मा बन गए। अपने पुत्र भरत को राजा बना दिया। महात्मा बने तो सिद्धियां आने लगी। इन्होंने विचार किया कि अगर सिद्धियों को पकड़ेंगे तो लक्ष्य से भटक जाएंगे, क्योंकि मान बढ़ाई जब से आई लगन राम से छूटी, और स्वामी स्वामी सुनन लागे सो किस्मत उनकी फूटी। जिस व्यक्ति की मान बढ़ाई आती है वो फिर उसी में फंस जाता। हमारे गुरु जी बहुत ऊंची बात कहते थे, आप लोगों के ज्ञान की बात है, जितना नाम बढ़े, जितना पद बढ़े, जितना पैसा बढ़े, उतना ज्यादा भजन बढ़ा देना चाहिए। अभिमान नहीं आएगा, विनाश नहीं होगा। हाँ, जितना नाम, जितना पद, जितना रुपया बढ़े, उतना ही भगवान का भजन बढ़ा देना चाहिए, माला बढ़ा देनी चाहिए। अभिमान नहीं आएगा, नहीं तो जल्दी स्वाहा। बोले का? बोले एक भय हते और टपक गए। हाँ, फिर भय थे में चले जाओगे। और अगर नाम पद और धन बढ़े और सत्कर्म करने शुरू कर दोगे, मानव सेवा शुरू करने लगोगे, तो फिर लोग कहेंगे एक ऐसे भी हैं। थे में और है में बहुत अंतर है। बोलो सीताराम। तो सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़े भरे ऋषभदेव जी ना, ना, ना अरे क्या पढ़ना। भरत जी भी अपने बड़े पुत्र सुमति, इनके भी 5 संतानें हुई, बड़े बेटे का नाम सुमति, सुमति को राजा बनाया। भरत जी भी पिता की भांति भगवान के भजन के लिए बाबा बन गए। एक बार भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे, तब तक एक सिंह ने दहाड़ लगाई। दहाड़ सिंह दहाड़ा गर्जना की, एक मृगी हिरनी पानी पी रही थी उसी सरोवर में जिसमें ये सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। सिंह की दार सुर करके सुन करके उस मृगी ने छलांग मार दी। वो मृगी थी गर्भवती, गर्भ से थी। छलांग मारी सिंह के डर के कारण, बीच रास्ते में ही उस मृगी का गर्भपात हो गया। उस पार जाकर के वो मृगी मर गई। भरत जी ने विचार किया मानवता दया दिखानी चाहिए, जीवों पर दया करो। उस मृगी के छोटे से बच्चे को पकड़ लिया, कहीं ये मर ना जाए, हाथ में लिया। आहा हा, हाथ में ला करके आश्रम में ले आए। बढ़िया देखभाल करने लगे, यहां वहां से व्यवस्था करके भोजन की व्यवस्था उसकी करने लगे। अब देखो यहां काम हो गया, लेकिन मोह में ये भी फंस गए। मृगी का नन्हा सा बालक अब तो धीरे धीरे बड़ा हो गया, आश्रम में उछल कूद करने लगा। ये पूजा करने बैठे, माला जपने बैठे, सोई मृगी का बालक चाटने आ जावे, ये डांट लगा है, एक तरफ चलो। बेचारा शांत सामने बैठ जावे। धीरे 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 वो बड़ा हो गया। एक दिन वो मृगी का बच्चा सजातीय मृगों के साथ वन में भाग गया। आओ प्रभु, आओ 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 प्रभु, प्रभु को ऊपर आने दो, ये हमारे प्रभु आ गए। आओ 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 लीलाधर प्रभु, आओ मस्तमौला प्रभु हैं ये हमारे। आज तो तुम गजब का चश्मा लगाए हो प्रभु, आने दो आने दो, बैठे रहो। तुम्हारे कारण हमने कथा तक रोक दी। आओ 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 राजा, आओ आओ। हो हाँ।
पहनाओ माला, इनका नाम लीलाधर प्रभु है और ये हमेशा ऐसे ही दिव्य श्रृंगार में रहते हैं। ये नौकरी करते थे, नौकरी ठाकुर जी का ऐसा रंग चढ़ा के नौकरी छोड़कर अब बड़ी वाली नौकरी करने लगे। और ऐसे ही ये दिव्य श्रृंगार कर, देखो क्या गजब का चश्मा वस्मा लगाए। नौकरी में ये ठाट बाट थोड़ी होते। और प्रभु एक बात और है, बागेश्वर धाम की कथा सिर्फ तुम्हारे लिए रुकती है, बाकी नौकरी वालों के लिए नहीं रुकती है। ओ, ये गजब के लीलाधर प्रभु। मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ कम नहीं, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले कम नहीं, ऐसी होगी नहीं दूसरी गुरुदेव, ऐसी होगी नहीं दूसरी। क्या सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ मेरे गुरुवर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तो भरत जी उस मृगी के बच्चे को उठाकर ले आए आश्रम में। एक दिन वो बड़ा होकर सजातीय मृगों के साथ भाग गया। पूरे वन में भरत जी ढूंढते रहे, नहीं मिला। जब नहीं मिला उस मृगी के सावक के वियोग में ही प्राण त्याग दिए। तो दूसरा जन्म किसका हुआ? बोले दूसरे जन्म में ये भी मृग बने। अंते यामति सागति, आप जिसका चिंतन करते करते मरोगे आपका दूसरा जन्म भी वही होगा। लेकिन दूसरे जन्म में ध्यान रहा इसलिए फंसे नहीं, तो जल्दी ही दूसरा जन्म पूरा हो गया। तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर पे मिला, ब्राह्मण बने। बचपन से ही उल्टे, तो पिताजी ने नाम रख दिया जड़ भरत। क्या नाम रखा? जड़ भरत। आहा, पिताजी कहे बेटा सत्यनारायण बांचो, तो ये जानते तो सीधी थे बांच उल्टी दे देते। पिताजी कहे गायत्री मंत्र पढ़ो, पढ़ते तो जानते तो सीधा थे पर पढ़ उल्टा दे देते, इसलिए पिताजी ने नाम ही रख दिया बड़ा जड़ है जा, तेरा नाम जड़ भरत है। बोले क्यों? बोले अगर आज अगर सत्यनारायण में बसेंगे तो कल रामायण कहेंगे लो, पिताजी के रामायण पढ़ो। रामायण पढ़ ली तो पिताजी कहेंगे बेटा भागवत बांचो, भागवत बांचेंगे तो पिताजी कहेंगे ब्याह कर लो, आपत हो जाएगी, माया में फंस जाएंगे, इसलिए ना रहे बीन ना बजे बांसुरी, बोलो सीताराम। पढ़ा ही नहीं। चार भाइयों में सबसे छोटे जड़ भरत जी, पिताजी तो चले गए जल्दी। अब भाभियां इनसे बड़ी नाराज, क्योंकि काम के ना धाम के दुश्मन अनाज के, करते धरते कुछ नहीं, दिन भर पाते हैं और सीताराम भजन करते हैं। भाभियां इतनी हैरान, भाभियां अपने पतियों को बढ़िया रोज बादाम का हलवा गाजर का हलवा घी डालकर थोड़ा खोवा मावा मीठा डालकर खवाती, फिर भी उन भाभियों के पति एकदम डेढ़ हड्डी से सूखी नकरिया। और इनको सूखी रोटी देती हैं, कुछ नहीं ठीक ठाक देती, फिर भी ये ढाई तीन क्विंटल के। एक दिन भाइयों ने कहा कुछ करते धरते नहीं, कम से कम खेती रखाओ, कम से कम खेत तो देखो। आहा, अब खेत रखाने के लिए जड़ भरत जी गए, जो आ गया भाइयों की बात मानकर।
तो खेत में जाकर बैठ गए, झोपड़ी बना दी और खेत में जाकर विराजमान भए। हा हा हा। बगल वाला एक किसान गाय माता को लट्ठ से पीट रहा था, भगा रहा था। उसके खेत में गाय आ गई थी, तो इन्होंने कहा क्या हुआ भैया, हमारे खेत में गाय आ गई, हम भगा दिए, भगा रहे हैं महाराज जी। अच्छा भगाओ मत, हमारे खेत में भेज दो। आए थे रखवाली को पूरी गौ माता का निमंत्रण कर दिया, 8-10 हजार गौ माता खेत में, 2.5-3 घंटा में साफ खेती स्वाहा। और जड़ भरत जी इतने परमहंस, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। पूरी गौ माता को, आओ गौ माता आप भी राम के राम का खेत। एक रात में ही पूरी महाभारत सी हो गई। आप पूरी महाभारत, सुबह भाई जब भाई देखने आए कि चलो खेती रखी होगी, रखवाली ठीक होगी, भाई बैठा है, जब सुबह उनके भाई वापस आए तो 400-500 गैया बीच में बैठी रहे मस्त आनंद से, बढ़िया पागर लेती हुई। ये क्या है भैया? कुछ नहीं, गौ माता है जिनके पीछे गोपाल भागे। अरे गोपाल तो ठीक है, जो बताओ भाई खेती बर्बाद क्यों करवा दी? भैया हमने नहीं की, गाय माता का 1-1.5 घंटा के लिए निमंत्रण कर दिया था। इतने नाराज भाई भाई कि तुम किसी काम ही के नहीं, भगो यहां से। जड़ भरत जी बोले और बढ़िया रहा, अब कम से कम कोई नाता रिश्ता तो नहीं है, सोई घर छोड़कर चले गए। देखो ये दुनिया तब तक आपको अपना मानेगी जब तक तुम किसी काम आते रहोगे, जब समझ जाएगी कि किसी काम के नहीं हो तो ये टिकट कटा करके भगा देगी। आगल पागल लड़का के लिए माताजी थोड़ा जरूर चिंता करती हैं कि कहां गया आया नहीं, बाकी और नहीं करते हैं। भग गया सो ठीक है, एक आपद भी मूड से गई। बोलो सीताराम। बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। आहा। अब तो परम विवेकी श्री जड़ भरत जी महाराज पैदल चलने लगे मस्त। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती प्रभु जी कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आए। जड़ भरत जी महाराज मस्ती में मस्त। उसी समय एक चोरों के सरदार के कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उसने काली माता को मन्नत की कि अगर संतान होगी तो हम एक मानव की बलि चढ़ाएंगे। भगवान की कृपा से पुत्र हो गया। अब मानव की बलि किसकी चढ़ावे, तो चोरों को कहा जो पागल आगल मिले उसी को पकड़ लाओ। तो और तो कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी ही फंस गए राउंड में। और दुनिया वालों को प्रभु का प्रेमी पागल ही नजर आता है। हाँ दुनिया वाले जो होते हैं, अच्छा लेकिन जो प्रभु के प्रेमी होते हैं उन्हें दुनिया पागल नजर आती है। हाँ हम कही, ये देखो कितना अद्भुत संयोग है। हाँ हम एक बार मुंबई गए, तो एक मुंबई में एक बहुत अमीर आदमी हमारे शिष्य हैं, बहुत अमीर आदमी, बोले गुरु जी आइए। हमने कहा ठीक है आएंगे। पहुंचे, बढ़िया उन्होंने स्वागत किया, आइए आइए बैठिए, हम बैठे। और उन्होंने हमें पता नहीं प्रयोजन इसलिए बुलाया था, बाद में समझ में आया प्रयोजन। उनकी एक बच्ची थी, पहले वो फिल्मों विल्मों में काम करती रही, बाद में उसको ऐसा रंग भगवान की कथा का चढ़ा के सब छोड़ छाड़ के दिन रात हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो बोले महाराज जी ये बिटिया पागल हो गई,
हमने कहा अरे यार बुलाओ, हम देखते हैं, प्रार्थना करते हैं हनुमान जी से। हमने अपना बाई बाई में सिस्टम स्टम मिलाया और उसमें लिख करके आया कि ये तो कोई पागल नहीं है। जब उन्होंने कहा कि ये पागल हो गई तो वो बिटिया बोली, बोले गुरु जी क्षमा करना, आप हमारे गुरुदेव हैं, ये घर वाले हमारे पागल हो गए। आओ आओ, ये उसके वक्तव्य थे। हमने कहा मतलब हम समझे नहीं, बोले जब देखो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, अब हम पूजा ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहीं जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, विदेश जा रहे हो, कुछ उल्टा कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे, ये पगले आ गए पीछे पड़े हमारे। और माता पिता क्या कह रहे थे, बोले गुरु जी हमारी बिटिया पागल हो गई। तो ये अद्भुत है यहाँ की स्थिति में, संसार की स्थिति में, संसार वालों को भगवान का भक्त पागल नजर आता है और भगवान के भक्त को दुनिया पागल नजर आती है कि ये कितने पागल हैं। दो कौड़ी की जिंदगी में, ये दो कौड़ी के लिए पूरी जिंदगी गवा रहे हैं, हम तो करोड़ों का मटेरियल भगवान कृष्ण को पा रहे हैं। है? भक्त ऐसे होते हैं। जड़ भरत जी प्रायः पागल नजर दिखे पर थे नहीं, तो चोरों ने जो है जालाल डाला के चलो हमारे साथ। जड़ भरत जी बोले चलो, लिबा गए, बढ़िया चकाचक रबड़ी मालपुआ खबाया। तो जड़ भरत जी ने कहा कि बड़ा स्वागत हो रहा है, आज तक नहीं हुआ, घर में नहीं हुआ इतना तो स्वागत। और एक बात बड़ी वैदिक वैदुष्य पूर्वक हम आपको निवेदन करें, भगवान के दो मुख हैं। कितने मुख हैं? दो। कौन कौन? एक अग्नि मुख, दूसरा ब्राह्मण मुख। अग्नि मुख में होता है स्वाहा, ब्राह्मण मुख में होता है आहा। तो जब घी से लपलपाता हुआ बढ़िया चकाचक मालपुआ ब्राह्मण के मुख से होते हुए पेट में जाता है, और जब ब्राह्मण अपने उदर पर हाथ फेर कर कहते हैं आहा, तो किसी ने भगवान से पूछा कि आपको कौन सा मुख प्रिय है, स्वाहा की आहा? भगवान बोले जो आनंद आहा में है वो उतना स्वाहा में नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, वेद कह रहा है, श्लोक पढ़िएगा। ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्या कृता उरु तदस उद्वेश्या पदाभ्याग सूत्रो अजायता। वेद का मंत्र है, भगवान कहते हमारा एक मुख ब्राह्मण है और एक मुख अग्नि मुख है। तो जब जड़ भरत जी को चकाचक घी से लपलपाता हुआ मालपुआ पवाया तो जड़ भरत जी बोले आहा। तो फिर धीरे से चोर बोले कुछ देर में होगा स्वाहा, क्योंकि बलि चढ़नी है तुम्हारी। बोले इसीलिए मालपुआ खबा रहे? तो बोले क्या फ्री में खबा रहे? जैसे मालपुआ तुम लपा लप 20-25 सटका गए वैसे ही गला कटना है। जड़ भरत जी ने विचार किया, चूंकि जड़ भरत जी ब्रह्म ज्ञानी, नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेश दंत्यापो न सुख्यति मारुता। आत्मा को ना कोई काट सकता, न मार सकता, न जला सकता, न कोई बहा सकता। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कवि। तो बोले हम तो मरेंगे नहीं, मरेगा तो शरीर। माँ भद्रकाली के मंदिर में जाकर गए, गर्दन में हल्दी वल्दी लगाई चोरों के सरदार ने, और तलवार कृपाण निकाल कर काटने के लिए माँ भद्रकाली का ध्यान किया ही कि माँ भद्रकाली ने विचार किया कि एक ब्रह्मज्ञानी की हत्या हमारे मंदिर में हो जाएगी तो बड़ा पाप लगेगा। फिर क्या, तत्क्षण भद्रकाली मैया
मंदिर के अंदर प्रकट भई सहसो चाट, उच्चाटन करती हुई भगवती प्रकट भई और तलवार को चोरों के सरदार के हाथ से छुड़ाकर सब चोरों का वध कर डाला। माँ भगवती अपने खप्पर को भर करके बरद हस्त के रूप में जड़भरत जी के सन्मुख प्रकट हो गई। कहिए कैसे हैं? जड़भरत जी कहे, माँ कुपुत्रो जायते, आपकी कृपा है, बस प्रणाम किया, ब्रह्मज्ञानी संत हैं, आगे राजा रहुगण को उपदेश दिया। इस कथा का आशय भागवता कारण क्या कहा भागवत में, एक मृगा के संगते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने है? कितनी अच्छी बात लिखी, एक मृग के संग के कारण मृग का चिंतन करते करते भरत जी मरे तो दूसरा जन्म मृग का होना पड़ा। अब तुलसीदास जी कहते, भैया अब उनकी क्या गति होगी जो घर घर इलू इलू कर रहे हैं, जो घर घर प्यार कर रहे हैं, उनकी क्या गति होगी? अरे बोले, उनकी गति नहीं, उनकी दुर्गति होगी। गति नहीं, दुर्गति।